क्या आप जानते हो केवल 1500 रुपये से आप टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे जानेंगे इस वीडियो में। हे गाइस, स्वागत है आपका फिनटेक में मोहित लांबा पर। तो टाटा ग्रुप, इसको तो कोई पहचान की जरूरत नहीं है क्योंकि टाटा ग्रुप वर्ल्ड वाइड साथ ही साथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। एट प्रेजेंट टाटा ग्रुप के इंडियन स्टॉक मार्केट में 29 लिस्टेड स्टॉक्स है जिनका टोटल मार्केट वैल्यू हो जाता है $314 बिलियन, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू है। अगर मैं फैक्ट्स और फिगर्स में बात करूं तो एट प्रेजेंट जो इंडियन स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यू है उसका 10% वैल्यू अकेला टाटा ग्रुप ओन करता है। तो अब मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा, सीधा सीधा आपको ये बता दूंगा कि कौन से मेथड से आप 1500 रुपीज को इन्वेस्ट करके टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स में एट वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जानने के पहले आपको एक बात बता दूं कि फिनटेक बाय मोहित लांबा यानी कि इस चैनल पर मैं डेली फाइनेंस रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जी हाँ, ये उस स्टॉक का नाम है जिससे आप एट वन टाइम टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस स्टॉक का करंट प्राइस है 1454 यानी 1454 रुपीज के आसपास। पिछले एक साल में 21% के रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए और पिछले 5 साल में यानी कि इन द लास्ट 5 ईयर्स दिस स्टॉक हैज गिवन अ मैसिव रिटर्न्स ऑफ 96%। यानी आप सोच सकते हो कि इन द लास्ट 5 ईयर्स ये स्टॉक कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। तो अब ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आप सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हो ये देख लेते हैं। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ये बेसिकली एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एनबीएफसी भी ये बैंक की तरह होती है, खाली बैंक के पास जो एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं वो एक एनबीएफसी के पास नहीं होते। बाकी 90% अगर आप देखोगे तो एक एनबीएफसी और एक जो नेशनलाइज्ड बैंक होता है ये सारे सिमिलर ही होते हैं। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसके पास टाटा ग्रुप के जितने भी 29 लिस्टेड स्टॉक्स है इन सारों में एक मेजोरिटी स्टेक है। साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि इंफोसिस, रिलायंस और एक्सिस बैंक, ये तीनों में भी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ये बहुत ही अच्छा खासा सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर ओन करता है। यानी खुद की कंपनीज के साथ साथ जो बाहर की कंपनीज है उनमें भी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का बहुत ही बड़ा स्टेक ऑलरेडी है। साथ ही साथ अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो अनलिस्टेड स्टॉक को आप कैसे परचेस कर सकते हैं इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसके लिंक ऊपर आई बटन में साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो टू। तो चलिए टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के कुछ की मेट्रिक्स देख लेते हैं यानी कि कुछ खास बातें। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है अराउंड 7000 करोड़ का, यानी कि कंपनी एक मीडियम कैप कंपनी है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होता है। इसका 7000 करोड़ का यानी एक मीडियम कैप कंपनी है। कंपनी का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 35.6 का। दोस्तों पीई रेशियो जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है, यानी पीई रेशियो हमें यह दर्शाता है कि आपको इस कंपनी में एक रुपया कमाने के लिए कितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो 35 का पीई रेशियो ये बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है क्योंकि अ गुड पीई रेशियो इज समवेयर बिटवीन 15 to 25। अगर 15 से 25 के बीच में आपका पीई रेशियो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका 35 का थोड़ा ओवर प्राइस है। जैसे कि हमने देखा कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इसका बहुत ही बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छा खासा स्टेक है, तो हो सकता है कि विद टाइम में बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट दे सके। अब दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये स्टॉक के रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कंपनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट बात ये है कि डिस्पाइट बीइंग अ मीडियम कैप कंपनी यानी हालांकि एक मीडियम कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 7000 करोड़ के आसपास का है, तो भी ये कंपनी डेट फ्री है यानी ये कंपनी पे एक भी रुपए का कर्जा नहीं है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 80% की, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है 85% की और ये नंबर्स हमें ये दर्शाते हैं कि ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और एक और खास बात यह है कि कंपनी डिविडेंड, जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो 3.88% यानी लगभग 4% का डिविडेंड पे आउट कंपनी देती है। तो डिविडेंड इनकम लेने में भी ये स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह आप टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का जो 1500 रुपए का स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करके इनडायरेक्टली टाटा ग्रुप के 29 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इन्फोसिस, रिलायंस और एक्सिस बैंक में भी आपका स्टेक बन जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिनटेक बाय मोहित लांबा। थैंक यू सो मच।